नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपने अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कें पूरी तरह सुनसान है। वहीं दूसरी ओर कटिहार जिले के कई प्रखंड में तेज आंधी का शिकार हुए हैं वहाँ के किसान। अचानक रात में तेज आंधी आती है और कितने किसानों के फसल को नष्ट कर देती है। आपको बताते चले कि बीती रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी, जिसके कारण खेतों में लगे मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जो मक्के का फसल चार दिन के बाद या यूं कहें कि 10 दिनों के बाद पूरी तरह पक जाता है, वो पूरी तरह इस तेज आंधी में बर्बाद हो चुके हैं। वहीं कई किसानों का खेत में लगी फसल भी बर्बाद हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी खेती पर ही निर्भर रहते हैं। किसान अपनी फसल बर्बादी को देखते हुए काफी हताश है। अब सरकार को भी चाहिए कि कम से कम इन किसानों तक मदद जरूर पहुंचे, जिन्हें काफी इस मौसम की वजह से नुकसान हुआ है। क्या हुआ था? अरे रात में हम लोग घर में सोए हुए थे, अरे भोर 2 बजे जे तो इतना जोर से मतलब आंधी तूफान आया बारिश की, हम लोग का मक्का सारा खत्म हो गया और इतना परेशानी है। सब पैसा लगा दिए खेती में, अब बीमारी की वजह से घर में खाने का तक नहीं है और मक्का गिर गया। अब हम लोग का सरकार क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग बर्बाद तबाह हो गए। एक तो कोरोना से बाहर नहीं निकल सकते, ये खेती से हम लोग लाचार हुए। पूरा फसल बर्बाद हो गया मक्का का। 2000 रुपया मतलब किलो का बिच्ची बुने थे खेत में और वो बिच्ची का भी पैसा नहीं उठने वाला है। क्या अब होना चाहिए सरकार को? अब सरकार क्या करेगा हम लोग का, तो सरकार से हम लोग का कुछ किया जाए पत्रकार जी की, हम लोग का जी तो कुछ राहत मिला जाए किसान को। कैसे नुकसान हुआ? अंधेरी में नुकसान हो गया, बहुत अंधेरी था, काफ़ी अंधेरी था। एक तो हम लोग का घर तो जाए भी टॉली फली उड़ गया है, अरे फसल भी नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान। एक तो बीमारी को लेकर के जो सरकार बंद किया हुआ है पूरा देश को, उससे भी आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा होगा जी। एक फसल बर्बाद हुआ, क्या मतलब अब क्या होना चाहिए आपके कहने के अनुसार? आप क्या इस तरह का मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? वो जो नुकसान है वो क्षति हुआ है, और क्या करेगा वो ही देगा, क्या करेगा? ये कोई दूध पर है, उसरी पर है, वो तो नुकसान ही हो गया ना जी। जी है, तो उसी का अगर सरकार को यदि गरीब का दाया माया रहेगा तो दे सकता, मदद कर सकता है। इसमें हम क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? शेख आलिम। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट ना पाए।